अंडर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अगर एक अच्छा कैमरा फ़ोन परचेज करना है तो रिसेंटली मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन और सैमसंग एफ फिफ्टी फाइव दोनों अंडर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लॉन्च हुए और आज इनका मैं डिटेल में, में कैमरा कंपेयर कर रहा हूँ ट्रस्ट में इतने सारे सैम्पल शॉट्स कैप्चर करे हैं कि आपको वीडियो के एंड में एक क्लियर आंसर मिल जाएगा कि किस फ़ोन का कैमरा बेटर परफॉर्म करता है और अगर इन दोनों में से आपको कोई एक फ़ोन परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में सेल स्मार्ट कैफ़े का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ पे कांटेक्ट करके ये दोनों ही फ़ोन आपको थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे सैमसंग F55 की इमेज क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो अगर पॉसिबल हो तो सैमसंग को ये वीडियो ट्वीट जरूर करना अगर ट्वीट करोगे तो शायद अपडेट दे इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर दे और अगर आपको कॉन्टेंट इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें गैस ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है 4K 30 FPS पे और आप क्लियर डिफरेंस नोटिस कर सकते हो फिर चाहे आप ग्रास की तरफ देखो या स्काई की तरफ देखो मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन बेटर डायनेमिक रेंज कैप्चर कर रहा है एंड ओवरऑल कलर्स भी बेटर मेंटेन कर रहा है ज़्यादा नेचुरल कलर्स हैं सैमसंग में कलर्स थोड़े से म्यूटेड है मुझ पर इस टाइम पर शेडो आ रही है मैं छाओं में खड़ा हूँ एंड स्किन टोन्स ज़्यादा नेचुरल कैप्चर कर रहा है मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन सैमसंग में बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लोन आउट हो रहा है और मैं सनलाइट में आ गया हूँ तो मेरा फेस भी थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है सैमसंग में क्लियरली जो वीडियो क्वालिटी है वो मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन की काफ़ी ज़्यादा बेटर है अब वीडियो स्टेबलाइजेशन चेक करने के लिए इस टाइम पे मैं भाग रहा हूँ और वीडियो स्टेबलाइजेशन दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी एवरेज है बिकॉज जिटरीनेस थोड़ी ज़्यादा है तो स्टेबलाइजेशन बेटर हो सकती थी बाकी ऑटो फोकस दोनों फोन्स में काफ़ी फास्ट एंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है वेल well, मैंने ये कुछ शॉट्स कैप्चर करे दोनों फोन्स के प्राइमरी सेंसर से और मैं नोटिस कर रहा हूँ बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट तो दोनों ही इमेजेस में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है बट फोरग्राउंड में जो मेन सब्जेक्ट है वो क्लियरली ज़्यादा शार्प है एंड जो ओवरऑल टेक्स्चर है वो भी बेटर मेनटेन्ड है मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन में मैंने ना डायरेक्ट सनलाइट में यह सैम्पल शॉट कैप्चर करा जहाँ पर थोड़ी सी टोन हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इमेज में होनी चाहिए मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन में काफ़ी नेचुरल कलर्स देखने को मिले थोड़ी सी वॉर्म टोन देखने को मिली सैमसंग की इमेज में कूल cool टोन थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिली मतलब इतनी ज़्यादा कूल टोन है कि बैकग्राउंड में जो वॉल का कलर है वो बिल्कुल भी देखने में नेचुरल नहीं लग रहा इनफैक्ट ये कुछ सैम्पल्स मैंने डायनामिक रेंज कंपेयर करने के लिए और एच प्रोसेसिंग कंपेयर करने के लिए कैप्चर करे बट मैं नोटिस क्या कर रहा हूँ कि सैमसंग में कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट थोड़े से वॉश आउट है जिसकी वजह से ओवरऑल फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड काफ़ी हेज़ी देखने को मिल रहा है क्लियरली मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रहा है सनलाइट में इमेज़ कैप्चर करी है तो अच्छी वॉम टोन भी देखने को मिली है एंड डायनामिक रेंज भी इमेजेस में बहुत अच्छी देखने को मिली सैमसंग में कलर्स भी थोड़े से ब्लोन आउट हैं एंड ये थोड़े से ना डल और म्यूटेड कलर्स कैप्चर करता है ओवरऑल इमेज हेज़ी आती है मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार सैमसंग ने इमेज प्रोसेसिंग इतनी बुरी कैसे कर दी नॉर्मली सैमसंग के फ़ोन्स काफ़ी अच्छी इमेजेस कैप्चर करते हैं बट सरप्राइजिंगली मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इन कैमरा सैम्पल से वेल अल्ट्रा वाइडिंग लेंस पे स्विच करते ही डेफिनेटली सैमसंग हैज एडिड सम कलर्स नाउ बट अगेन अगर आप रेड येलो एंड ग्रीन कलर्स की तरफ नोटिस करोगे तो ये एक्यूरेट नहीं है इनफैक्ट काफ़ी डल कलर्स सैमसंग की इमेज में देखने को मिले मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन कलर्स काफ़ी अच्छे से मेनटेन कर रहा है एंड ओवरऑल इमेज में डिटेल्स भी बेटर देखने को मिली है इन दोनों फ़ोन्स में टेलीफोटो लेंस तो नहीं है बट मैंने ये सेम इमेज 2x डिजिटल जूम को यूज़ करके कैप्चर करी दोनों इमेजेस में डिटेल्स सफिशेंट है बट थोड़ी सी नॉइस दोनों इमेजेस में देखने को मिली है अब मूव करूँ अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की तरफ तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा फील हो रहा है ये सैम्पल शॉट्स देख के कि इमेज प्रोसेसिंग इस बार जैसे सैमसंग ने करी ना हो किसी और ब्रांड ने कर दी हो रेफरेंस के लिए बताता हूँ आपको याद है ओप्पो वीवो और वन प्लस के फोन्स में वियर्ड सी वाइटिश स्किन टोन देखने को मिलती थी तो सैमसंग की इमेजेस में कुछ पुराने ओप्पो वीवो के फोन्स की तरह पेल वाइट सी स्किन टोन्स देखने को मिली है जो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगती मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन में स्किन टोन्स भी काफी नेचुरल है बैकग्राउंड ब्लर भी ज़्यादा नेचुरल है सैमसंग में आर्टिफिशियल सा सर्कुलर बोके इफेक्ट देखने को मिला है जो देखने में कहीं से भी नेचुरल नहीं लग रहा अब इस टाइम पे मेरे फेस पे एक तरफ से सनलाइट आ रही है तो दोनों फ़ोन के कैमरास ने एक्सपोजर तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा है बट सैमसंग में सरप्राइजिंगली कलर्स काफ़ी डल और म्यूटेड देखने को मिले हैं मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन में काफ़ी नेचुरल और अच्छी वॉम टोन देखने को मिली है इवन इस सैम्पल शॉट में मेरे फेस पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और अब सैमसंग एक्सपोजर एडजस्ट करने में भी स्ट्रगल करता हुआ नजर आया मेरा फोरहेड हेड सैमसंग के एम में ओवर एक्सपोज हो रहा है कलर्स अगेन म्यूटेड है और आपको ऐसा देखने को लगेगा दूर से मतलब देखने में लग रहा है कि डिटेल्स दोनों इमेज में सफिशियंट होगी बट जूम करने के बाद क्लियरली सैमसंग की इमेज में डिटेल्स ही नहीं है इमेज काफ़ी हेजी आई है और मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन में सफिशेंट डिटेल्स है बिल्कुल भी ओवर शार्पनिंग में नोटिस नहीं कर रहा तो क्लियरली पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के लिए मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन एक बेटर ऑप्शन है एजिस भी काफ़ी नीट और क्लीन देखने को मिली एंड बैकग्राउंड ब्लर भी ज़्यादा नेचुरल है इनफैक्ट मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन में थर्टी फाइव एम एम और फिफ्टी एम एम पर भी आप पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हो और सैमसंग में ये ऑप्शन नहीं है गाइज़ लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों ही वीडियोज़ में काफ़ी नॉइस है बट अगर कंपेयर कर रहे हैं तो सैमसंग की वीडियो में नॉइस थोड़ी ज़्यादा है इवन मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन डिटेल्स बेटर मेनटेन कर लेता है और फ्रेम में काफ़ी लाइट्स हैं लाइट्स का कलर भी मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन बेटर मेंटेन कर रहा है बट लो लाइट में दोनों ही फोन्स की वीडियो क्वालिटी कुछ खास देखने को नहीं मिली इट्स जस्ट हम कंपेयर कर रहे हैं तो मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है अब लो लाइट में नाइट मोड एनेबल कर लिया था उसके बाद इमेजेस कैप्चर करी अगर आपको फूड की इमेजेस कैप्चर करना पसंद है तो दोनों ही फोन के कैमराज ज़्यादा डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करता हूँ दोनों इमेजेस में डिटेल्स सफिशेंट देखने को मिली बट सैमसंग इमेज में कलर्स थोड़े ज़्यादा ही म्यूटेड है इवन इस सैम्पल शॉट में अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो लाइट्स का कलर मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन ने ज़्यादा बेटर मेंटेन किया है अब गाइस इस सैम्पल शॉट में ना क्लियर डिफरेंस आपको पता चल जाएगा सबसे पहले बैकग्राउंड में अगेन जो लाइट्स का कलर है वो मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन ने बेटर मेंटेन करा है बट ये हो गई एक चीज़ अगर लेट्स से आपको ये इमेज सोशल मीडिया पर कहीं पर अपलोड करनी है तो आप सैमसंग से अगर इमेज कैप्चर करोगे तो वो बिल्कुल भी अपलोड करने लायक नहीं है बिकॉज अगर मैं इमेज को जूम करूँ तो इमेज में मेरे फेस की तरफ देखो तो नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा है एंड स्किन टोन्स वियर्ड लगती हैं बिकॉज सैमसंग ना थोड़ा सा ऑयल पेंटिंग जैसा टेक्स्चर दे देता है फेस पे जिसकी वजह से रियलिस्टिक इमेज देखने को नहीं मिली मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है एंड डेफिनेटली लो लाइट में ये जो इमेज़ मैंने कैप्चर करी हैं इन्हें आप इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी अपलोड कर सकते हो एंड लो लाइट में वीडियो क्वालिटी मोटरोला की बहुत अच्छी नहीं है सैमसंग से बेटर है बट इमेज क्वालिटी मेरे को ओवरऑल काफी अच्छी लगी है गाइस ये वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K के थर्टी पे दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से तो अच्छी बात है कि चलो बजट प्राइस सेगमेंट के फोन्स हैं एंड 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है बट सैस F55 जिसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग की गई है यूट्यूबर्स के थ्रू एंड ऑनलाइन भी आप देखोगे फिफ्टी मेगा का फ्रंट कैमरा क्या करूँ सिर्फ फ्रंट कैमरा का मतलब फोरग्राउंड बैकग्राउंड कितना ज्यादा हेजी है डिटेल्स मिसिंग है इवन सैमसंग में बैकग्राउंड में हाईलाइट भी ब्लोन आउट हो रही है बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज हो रहा है मोटो एच फिफ्टी फ्यूचर में फ्रंट कैमरा थर्टी टू मेगा पिक्सल का है बट एटलीस्ट ये काम का सेंसर है बिकॉज इमेज प्रोसेसिंग पे मोटोरोला ने काफी ध्यान दिया है वेयर एज सरप्राइजिंगली सैमसंग ने इस बार इमेज प्रोसेसिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हेजी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है एक बार सनलाइट में मूव करके भी दिखाता हूं तो इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे एंड सैमसंग का फ्रंट कैमरा थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है थोड़ा सा फोरग्राउंड में मेरा फेस कभी कभी ओवर एक्सपोज होता है तो कभी कभी बैकग्राउंड थोड़ा ओवर एक्सपोज होता है वेर एस मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन एक्सपोजर काफी अच्छे से मेनटेन कर लेता है मैं वॉक कर रहा हूँ थोड़ा सा वीडियो स्टेबलाइजेशन का भी आपको पता चलेगा और बेटर टेस्ट करने के लिए भाग के दिखा रहा हूँ बैकग्राउंड में सन आ गया है तो ये कर रही है पे दोनों फोन में, से में सेल्फीज में क्या डिफरेंस है यहां तक वीडियो देखिए तो बेलाइकन को प्रेस कर दो तो सैमसंग थोड़े से वियर्ड कलर कैप्चर कर रहा है फिर चाहे मेरी टी शर्ट का कलर हो और स्किन टोन्स भी थोड़ी वियर्ड लग रही है देखने में मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन काफी नेचुरल इमेज कैप्चर करता है मतलब स्किन टोन्स भी नेचुरल है और बैकग्राउंड में डायनामिक रेंज हालांकि दोनों इमेजेस में अच्छी देखने को मिली है एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इवन डिटेल्स भी मेरे फेस पे दोनों इमेजेस में काफ़ी सिमिलर और सफिशेंट देखने को मिली है मैंने सनलाइट में मूव करके चेक करा कैमरा तो अच्छी बात यह है कि दोनों ही इमेज में मेरा फेस ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा बट अगेन कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस है मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन काफ़ी बेटर और नेचुरल कलर्स मेंटेन कर लेता है इनफैक्ट पोर्ट्रेट सेल्फीज़ में भी मोटो एच फिफ़्टी फ्यूजन ज़्यादा नेचुरल कलर्स मेंटेन करता है और इस टाइम पे मेरे फेस पे सनलाइट तो नहीं आ रही बट मैं नोटिस कर रहा हूँ सैमसंग की इमेज थोड़ी सी अंडर एक्सपोज आई है स्पेशली अगर आप मेरी बी की तरफ देखोगे तो थोड़ी सी हाईलाइट्स क्रश हो रही है। और details हैं और डिटेल्स भी मोटो एच फिफ़्टी फ्यूजन में बेटर हैं कंपेयर टू सैमसंग एफ फिफ्टी फाइव ओवरऑल कंक्लूजन में सिर्फ इतना कहूँगा फ्रंट कैमरा हो रेयर कैमरा हो चाहे इमेज क्वालिटी की बात कर लूँ या वीडियो क्वालिटी की बात कर लूँ शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई एक क्लियर विनर निकल के आया है मतलब ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स में मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन का कैमरा बेटर परफॉर्म करता है और प्रोसेसर डिस्प्ले परफॉर्मेंस सब कुछ आपको मोटो एच फिफ्टी फ्यूजन में ही बेटर मिलती है उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फोर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ